रामदेव पांडे, अखिलेश पांडे और संस्थापक आशुतोष पांडे सहित श्रेयस कुमार के मार्गदर्शन में हैंड्स अगेंस्ट हंगर नामक अपने सामुदायिक रसोई घर अभियान के साथ डिवाइन मैग्नीट्यूड सबके बीच फिर राहत कार्य के लिए सामने आया है। इस अभियान का नेतृत्व विशाल भगत, जो कि डिवाइन मैग्नीट्यूड के महाराष्ट्र के निदेशक और संचालक है, उनकी देखरेख में किया जा रहा है। साथ ही मुंबई के सिकंदर साहू भी इस कार्य में जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत लगभग सैकड़ों ज़रूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सर जी, मेरा नाम सचिन शर्मा है। ठीक है, ये हमारे विशाल सर, विशाल भगत, उनका ट्रस्ट है, डिवाइस संस्था है उनका, उनके मातृत्व से ये भोजन दिया जा रहा है रोज का। ठीक है, जो प्रोवाइड किया जा रहा है 200-300 आदमी जितना है हुआ जा रहा है। कितने दिनों से यहाँ पर जो है ये कंटिन्यू चल रहा है, जब से लॉकडाउन लगा तब से हम दिया जा रहा है। विशाल भगत के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं आपको, सहयोग कर रहे हैं? विशाल सर के वजह से विशाल सर बस ऐसे ही करते रहे और गरीबों लोग का हेल्प होता रहे, सबके जो जो भूखे हैं उनको उनके तरफ से खाना जा रहा है। कैसे विशाल भगत से कांटेक्ट हुआ, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट करना? वो एक लिंक के थ्रू हुआ विशाल सर की तरफ से, तो विशाल सर ने बोले कि मैं आप लोग को अनाज देता हूँ, आप प्रोवाइड करो खाना, गरीबों लोग तक पहुँचाओ। विशाल भगत नाम उनका, बीजेपी पार्टी से हो, बीजेपी नेता है। किस तरह का सहयोग रहा है वो लॉकडाउन से लेके ये लॉकडाउन तक? बहुत अच्छा सहयोग था उनका, उनके वजह से बहुत सारे लोग का पेट भरा हुआ है। उन्होंने बहुत सारा काम किया, जैसे कि अन्न बांटा है, राशन बांटे हैं जी, बहुत सारा। उनके वजह से, उनके संस्था की तरफ से हमने ये काम किया है, उनके संस्था की तरफ से ही ये चल रहा है। अरे उनको सदा सदा शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग भूखा, रोज रोटी नहीं है, तड़प रहे, तीन टाइम काम धंधा नहीं है, रोज हमेशा लॉकडाउन लॉकडाउन, काम नहीं, कुछ नहीं है, किधर जाओ कुछ भी जाओ, कुछ काम नहीं मिल रहा है, हम लोग भूखा मर रहे। हम लोग को कोई तो मदद करने वाला कोई नहीं है। ये दो दिन हम लोग को पेड़ भरी खाना मिल रहा है, ये जो जना अच्छा खाना मिल रहा है, हमारा घर का खाने का मैं पता, हम लोग खा रहे हैं, इधर कितना गरीब है उतना खा रहे हम लोग। ऐसा हम लोग ये लॉकडाउन जाना तक का देखा, हमारा झोपड़ा टूट गया, हमारा झोपड़ा बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, पिलर डालने का मेरे पास पैसा नहीं है। आप लोग जो सरकार है ना, मदद करो मेरे को। आपको खाना कौन ला के देता? खाना कौन ला के देता है? विशाल भगत, विशाल भगत, सदा सदा सुखी रहे राजा, आपको और आगे बढ़ेगा, भगवान और सुखी रखेगा। मैं दुआ देती, मैं दुआ देती, आनंद में दुर्गा देवी कसम, आनंद में हम आगे बढ़ेगा।